Hello friends, welcome to my YouTube gaming channel Born to Play Games. So friends, in this particular video I am going to show you. भाई ये तो एरर का वीडियो हो गया भाई, मेरा फ्लो तो वैसे ही बना हुआ है। आज मैं सेटअप टूर की बात करूँगा, आज मैं कुछ फिक्स करने की बात नहीं करूँगा, आज मैं कुछ ये नहीं बताऊँगा कि एरर को कैसे फिक्स करते हैं। आज मैं सिर्फ ये बताऊँगा कि अब से मैं अपना वीडियो कैसे शूट करूँगा, ठीक है। थोड़ा ओवर एक्टिंग करता हूँ, उसको आप लोग 50 रुपये ओवर एक्टिंग का काट देना, ठीक है। वैसे भी आप लोग कमेंट सेक्शन पे बोलते हो, मैं चेक करता रहता हूँ सबका कमेंट, तो 50 रुपये आप मेरा ओवर एक्टिंग का काट देना। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मेरा सेटअप टूर अब से क्या होने वाला है। इसके पहले तक तो कुछ था नहीं, पर अब से क्या होने वाला है मेरा सेटअप टूर। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये स्टैंड है जो खड़ा रहता है यहाँ पे, ठीक है। ये जो स्टैंड है ना, ये पकड़ के खड़ा है किसको, हमारा रिंग लाइट को। यही बोलते हैं ना टिकटॉक वाले, समझो इस चीज़ को। रिंग लाइट है यहाँ पे, रिंग लाइट लगा हुआ है और साथ में यहाँ पे ऐसा निकला हुआ ये हमारा माइक है, ये हमारा माइक है। अब यहाँ पे एक गौर करने वाली बात ये होगी, आप देखे होंगे कि यहाँ पे मैं चार्जर से बांधा हुआ हूँ। मेरा मोबाइल का जो चार्जर ख़राब हो गया था ना, उससे लपेटा हूँ। बोलने को तो ये स्नोबॉल माइक बहुत मस्त है, और वैसे भी ये माइक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी साउंड की। बट मुझे सिर्फ एक ही शिकायत है, सालों जब इतना अच्छा माइक बना करके दे रहे हो तो एक ऐसा लंबा वाला स्टैंड मुफ्त नहीं दे सकते साले, उसको अलग से खरीदना पड़ता। तो मेरी कंडीशन देखो, मेरे पास था एक, क्या बोलते हैं इसको, ट्राईपॉड। मेरे पास एक ट्राईपॉड था, अब साला मैं उसमें माइक फंसाऊँ कि साला उस पर रिंग लाइट फंसाऊँ, बड़ी समस्या की बात है। तो मैं ऐसा एक एंगल ढूंढा, मैं सोचा कैमरा को रखता हूँ उधर जहाँ पर से आप अभी इस समय देख रहे हो, और सोचा कि लाइट को भी ऐसी जगह फिट कर दिया जाए, माइक को भी ऐसी जगह फिट कर दिया जाए कि रिंग लाइट को भी ऐसी जगह फिट कर दिया जाए कि बढ़िया से दिखे, दोनों काम एक साथ आसान तरीके से हो जाए, दोनों काम। तो ये तो आप एडजस्टमेंट का चीज देख ही सकते हो। साथ में उसके बाद आप लोगों ने कुछ नोटिस किया हो या ना नोटिस किया हो, मैं ही बता देता हूं कि अभी ना ही मेरे पास कोई गेमिंग चेयर है, ना ही कोई गेमिंग टेबल है। इस समय जो मेरा मॉनिटर भी रखा है, वो किस चीज़ पे रखा है, वो जो पेटी वेटी होता है ना जिसपे कपड़े उपड़े डालते हैं, तो उसके ऊपर मैं मतलब स्क्रीन को टिका दिया हूँ। मतलब यूँ समझो, एकदम जो लो बजट गेमर की जो लाइफ है ना, वही वाली लाइफ है, ठीक है। बट उससे फ़र्क नहीं पड़ता, कॉन्टेंट पर दम होना चाहिए बॉस, ठीक है। तो जो मेरा मॉनिटर है वो रखा हुआ है उसके ऊपर, जिसपे अपन कपड़े रखते हैं। और इसका तो आपको पता ही है, बता ही दिया इसको मैं, और क्या बच गया। और अगर ज़रूरत पड़ी तो हेडफोन है, हेडफोन देख सकते हो, हेडफोन की हालत अपने लास्ट दिन गिन रहा है अभी, ठीक है। उसके बाद इसे भी रिप्लेस करना पड़ेगा। अबे स्पीकर ही छूट गया रे हाथ से। ज्यादा जरूरत लगे तो उसके लिए स्पीकर है, ये स्पीकर है, देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो, ये स्पीकर, इसका दूसरा हिस्सा टूट चुका है, सिर्फ एक ही पार्ट इसका बचा है, तो इसे मैं रख देता हूँ, ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते इसके साथ, है ना। और इस समय जो देखो क्या क्या हो गया, मैंने लाइट के बारे में बता दिया, यानी रिंग लाइट के बारे में बता दिया, मैंने ट्राईपॉड के बारे में बता दिया, और मैंने माइक के बारे में बता दिया। तीनों चीज़ को तो मैं एक ही जगह चेप दिया हूँ। बट सवाल ये है कि अभी आप मुझे देख कहाँ से रहे हो, आप मुझे देख रहे हो मेरे एक्शन कैम से,
यस सही सुना आपने, आई डोंट हैव वेबकैम येट। मेरे पास वेबकैम नहीं है, मैं एक्शन कैम लिया था, एक्शन कैम वो भी 10,000 कुछ समथिंग सा था, एसजे कैम का एक्शन कैम लिया था व्लॉगिंग करने के नाम से। व्लॉगिंग मेरा कुछ खास चला नहीं, ठीक है, तो अभी वही वेबकैम बंद करके बैठा है जिससे आप मुझे इस वक्त देख रहे हो। ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, व्लॉगिंग भी करेंगे एक दिन। तो मैं आप हैं एक्शन कैम और हम हैं बॉर्न टू प्ले गेम्स, और इधर मॉनिटर रखा है हमारा, कोई ठिकाना नहीं उसका, ठीक है। उसके बाद आप लोग बोलोगे कि रिकॉर्ड कैसे कर रहा है गेम को, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे में ये AMD वाला सॉफ्टवेयर है, मैं राइट क्लिक किया, AMD का ग्राफिक्स कार्ड है ना, तो ये AMD वाले सॉफ्टवेयर से रिकॉर्ड हो रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है। मैं कोई OBS के चक्कर में नहीं पड़ता, इससे रिकॉर्ड हो जा रहा है, वो बहुत अच्छा है। और साउंड की क्वालिटी के लिए अगर आप बात करो, साउंड की क्वालिटी की, अब मुझे नहीं पता कि आपको ये आवाज़ कैसे आ रही होगी, पर मैं आपको पर्सनली बताता हूँ, साउंड की क्वालिटी के लिए मैं यूज़ करता हूँ Audacity, यही नाम होगा इसका। तो ये Audacity, इधर अपना प्रोनाउंसिएशन अगर गलत निकला होगा तो उसको इग्नोर कर देना, जस्ट मेरा गाली बकने का कोई इंटेंशन नहीं था, ठीक। तो इसमें जो हमारी आवाज़ है वो रिकॉर्ड हो रही है, और जब रिकॉर्डिंग हो जाएगी तो मैं इस साउंड को एडिट कर दूंगा, इस साउंड को मैं एडिट कर दूंगा और इस वीडियो के साथ चेप दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर सेटअप टूर में और कुछ रह गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन पे बता देना, ठीक है। और अगर इसका आपको सेकेंड पार्ट देखना होगा तो भी मैं बना दूंगा, वैसे सेकेंड पार्ट ही है, इसके पहले एक फर्स्ट पार्ट और आ चुका है जिसमें साले आपने कोई ना व्यू दिया ना कुछ दिया, खैर दे क्या सकते हो आप, व्यू नहीं दिया, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, जय इंडिया, ओके बाय बाय।